नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको लखनऊ सुपर जॉइंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 54वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 54वें और एक और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केएल राहुल की लखनऊ सुपर जॉइंट्स के सामने श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण की इसी जोड़ी पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और हमेशा की तरह इस मुकाबले में भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोनों ही गजब के फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाजों ने कोलकाता की टीम को एक लाजवाब शुरुआत इस महामुकाबले में दिलाई। पारी के पहले ही ओवर में फिलिप सॉल्ट ने दो लाजवाब चौके लगाकर अपना खाता खोला था तो वहीं तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए नबीन उल हक को एक ही ओवर में सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट ने मिलकर चार गजब के चौके लगा दिए थे। कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी की इस धमाकेदार बल्लेबाजी को देखकर लखनऊ के कप्तान केएल राहुल शुरुआत से ही दबाव में आ चुके थे। इसी बीच दोनों की तूफानी अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब दबाव लखनऊ की गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था। फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण ने मिलकर अब अपनी टीम को अक्सर रनों पर पहुंचा दिया था लेकिन तभी गेंदबाजी पर फिर एक बार बुलाए गए नबीन उल हक ने सेट हो चुके फिलिप सॉल्ट को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप सॉल्ट इस मुकाबले में 14 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की इस धमाकेदार साझेदारी के टूटने के बाद अब अनक्रस रघुवंशी को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर यहाँ से सेट हो चुके सुनील नारायण के साथ मिलकर फिर एक बार अनक्रस रघुवंशी ने कोलकाता की पारी को आगे बढ़ाया और कोलकाता की रणनीति को रुकने का नहीं दिया। और इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे सुनील नारायण ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। सुनील नारायण को रोकने में लखनऊ का हर एक गेंदबाज असफल हो चुका था। लखनऊ की गेंदबाजी अब पूरी तरह से इस मुकाबले में बैकफुट पर थी तो वहीं दूसरे छोर से अनक्रस रघुवंशी भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे तो वहीं सुनील नारायण तो किसी भी लखनऊ के गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। इसी बीच दोनों की 50 रनों की तूफानी साझेदारी पूरी हो गई। अब सुनील नारायण तेजी से अपने शतक की तरफ आगे बढ़ चुके थे लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने लखनऊ की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके सुनील नारायण को देवदत्त पड़कर के हाथों कैच आउट कर दिया। सुनील नारायण 39 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हो गए। रवि बिश्नोई ने इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट अब अपनी टीम को दिला दिया था। अब यहां से लखनऊ के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था लेकिन बल्लेबाजी के लिए अब आंद्रे रसेल को भेजा गया था और आंद्रे रसेल ने आते ही एक बार शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन आंद्रे रसेल को भी लखनऊ की गेंदबाजी ने ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए नबीन उल हक ने आंद्रे रसेल को कृष्णपा गौतम के हाथों कैच आउट कर दिया। आंद्रे रसेल इस मुकाबले में 8 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। आंद्रे रसेल का बड़ा विकेट मिलने के बाद लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी लेकिन अब कोलकाता की टीम की तरफ से रिंकू सिंह को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके अनक्रस रघुवंशी को यदुवीर सिंह ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। अनक्रस रघुवंशी 26 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की टीम दबाव में थी। लखनऊ की शानदार गेंदबाजी में इस मुकाबले में अब कोलकाता की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और फिर यहां से रिंकू सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर ने मिलकर फिर एक बार कोलकाता की टीम के लिए साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी
लेकिन तभी रिंकू सिंह को नवीन उल हक ने मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह 11 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अंत के ओवरों में लखनऊ की गेंदबाजी ने कोलकाता के लिए रन आने पूरी तरह कम कर दिए थे, लेकिन इसी पारी की आखिरी ओवर में नए बल्लेबाज रमनदीप सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करी और आखिरी ओवर में 18 रन बना लिए और इसी के चलते अंत में कोलकाता की टीम ने 235 रनों का एक बड़ा लक्ष्य लखनऊ की टीम के आगे रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 236 रनों के सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल और अर्शिन कुलकर्णी के कंधों पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते ही अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन लखनऊ की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही कोलकाता की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क के अर्शिन कुलकर्णी को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। अर्शिन कुलकर्णी 7 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अर्शिन कुलकर्णी के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से कप्तान केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस में मिलकर लखनऊ की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लखनऊ के या दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। खास करके मार्कस स्टोइनिस अपनी टीम के लिए सबसे गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से कप्तान केएल राहुल भी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन हर्षद की साझेदारी पूरी होने के तुरंत ही बाद हर्षित राणा ने लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान केएल राहुल 21 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल का यह विकेट कोलकाता की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ी सफलता थी। अब बल्लेबाजी के लिए दीपक हुड्डा मैदान में उतरे और दीपक हुड्डा ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने दीपक हुड्डा को LBW आउट कर दिया। दीपक हुड्डा 3 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ की टीम बड़ी मुसीबत में थी। इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम ने अब अपने टॉप के 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए निकोलस पोरन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके मार्कस स्टोइनिस को आंद्रे रसेल ने हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस 21 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला पूरी तरह कोलकाता के कंट्रोल में था। कोलकाता की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर आयुष बदौली उतरे थे, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने निकोलस पूरन को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 8 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ की आधी टीम आउट हो चुकी थी। कोलकाता की गेंदबाजी ने लखनऊ की इस बल्लेबाजी को पूरी तरह बेबस कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए एस्टन टर्नर मैदान में उतरे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण ने आयुष बदौली को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष बदौली इस मुकाबले में 12 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ की सभी उम्मीदें एस्टन टर्नर पर थी, लेकिन एस्टन टर्नर को भी कोलकाता की गेंदबाजी ने ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और वरुण चक्रवर्ती ने एस्टन टर्नर को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। एस्टन टर्नर 9 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं एस्टन टर्नर के बाद बल्लेबाजी के लिए आए कृणाल पांड्या को भी हर्षित राणा ने फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करके लखनऊ की इस पारी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कृणाल पांड्या 6 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान श्रेयस अय्यर अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से बहुत ही ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे और फिर कोलकाता के इस बेहतरीन फॉर्म में चल रही गेंदबाजी ने लखनऊ के निचले क्रम को भी कुछ ही पलों में तबाह कर दिया और इसी के साथ कोलकाता की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ की टीम को 98 रनों के बड़े अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, कोलकाता की टीम ने इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी के साथ अपने बल्लेबाजी से भी सभी का दिल जीत लिया, लेकिन बल्लेबाजी के वक्त सुनील नारायण ने जो धमाकेदार पारी लखनऊ के खिलाफ खेली उसने कोलकाता के इस बड़ी जीत में
सबसे अहम भूमिका निभाई। सुनील नारायण ने इस मुकाबले में केवल 39 गेंदों में 81 रनों की अद्भुत पारी खेली। तो वहीं गेंदबाजी के वक्त सुनील नारायण ने लखनऊ का एक बड़ा विकेट भी निकाला और लखनऊ सुनील नारायण के इसी गजब के प्रदर्शन की वजह से लखनऊ को कोलकाता की टीम इतने बड़े अंतर से हरा पाई। तो दोस्तों, आपको सुनील नारायण की यह शानदार बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।